हमारे जो भारतीय समाज है उसमें बहुत ही गहरा ताल्लुक है धर्म का, चाहे वो हेट क्राइम्स हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो माफ करने का मामला हो, या चाहे वो योगा हो, या टीवी डिबेट्स हो, या और कोई भी जगह हो, ये असर है, ये इम्पैक्ट है धर्म का हमारे समाज पर। मेरा ये राय है कि धर्म का सही इस्तेमाल हमको जानना चाहिए। अभी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है वो झारखंड से हैं और वो दावती फील्ड में काफ़ी महारत रखते हैं। ये IRPC के बानी हैं, प्रेसिडेंट हैं, इस्लामिक रिसर्च एंड प्रोपोगेशन सेंटर। मैं दावत देता हूँ शादाब अहमद से कि वो आए और अपना खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबी अजमईन, अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। मेरे मोहतरम सामईन इकराम, मैं आप सभी का इस्तकबाल इस्लाम के तरीके पे करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं झारखंड से आ रहा हूँ। झारखंड का मतलब होता है झाड़ियों का खंड, पार्ट ऑफ बुशेज। और मैं जहाँ से आ रहा हूँ पर्टिकुलरली, वो उसका नाम है जगह का गिरिडीह। गिरी हिंदी में बोलते पहाड़ को और डीह बोलते हैं जो घिरा हुआ है। तो पहाड़ियों के बीच से और झाड़ियों से मैं आ रहा हूँ निकल करके यहाँ पर आप लोग के बीच। उसी गिरिडीह में मैं एक आर्टिकल पढ़ता हूँ। मेरा जो उनवान है आज का, उसी पे मैं ये आर्टिकल बताना चाहता हूँ। मेरा उनवान है धर्म का प्रभाव भारतीय समाज पर। मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ इसी गिरिडीह का कि 35 साल का एक बेटा अपने 75 साल के बाप के डेड बॉडी के साथ, मरे हुए लाश के साथ रहता है अपने घर में। 35 साल का बेटा है श्याम, वो अपने 75 साल के बाप के डेड बॉडी के साथ रहता है, इस उम्मीद के साथ कि वो मेरा बाप जो है वो जिंदा हो जाएगा। और इसके लिए वो तंत्र मंत्र भी करता है, सारा चीज़ करता है, इंतज़ाम करता है। बाद में उसकी बहन ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती थी, जो पढ़ने आते थे बच्चे वो लोग कंप्लेन करने लगे कि ये बदबू आ रही। शुरू में तो उसने कहा कि ये बदबू जो आ रही, ये चूहा मर गया होगा या कोई जानवर मर गया होगा। बाद में महक जब इतना बढ़ गया, तब एक दिन क्या हुआ, लड़ाई हुआ और सारा चीज़ बाहर आया। तो क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है धर्म का हमारे समाज पर कि इवन एनिमल्स, जानवर जो होते हैं ना, आप विकिपीडिया पर अगर जाके सर्च कीजिएगा तो इवन एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो भी अपने मुर्दे को गाड़ देते हैं या पत्तों से ढक देते हैं। उनको भी पता होता है कि ये जो मेरा मुर्दा है ना, ये फिर से नहीं उठेगा। लेकिन एक इंसान जिसके पास सारा चीज़ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाला है, वो कैसे ये सोच सकता है कि ये मेरा बाप फिर से जिंदा हो जाएगा। ये असर है, ये इम्पैक्ट है धर्म का हमारे समाज पर। एक और रिपोर्ट दिल्ली का, बहुत ही फेमस, आप लोगों ने सुना होगा। दिल्ली में 11 लोग एक ही फैमिली के फांसी लगा के फंदे पे मर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि यहाँ भी एक बेटा है ललित, उसके एक बाप होते हैं और वो बेटा जो होता है वो खानदान वालों को बोलता है कि बाप जो है मेरे भोपाल सिंह, वो आते मेरे पास और उन्होंने कहा कि फांसी पे लटक के जाप करो तो आपको मोक्ष मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। और 11 लोग जिन्होंने फांसी के फंदे पर लटक के अपने जान दे दिया, उसमें इवन ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स भी है, BSc के स्टूडेंट भी है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक BSc का साइंस का स्टूडेंट ये मान लेता है कि अगर फांसी के फंदे पर मैं लटक करके जाप करूंगा, मंत्र पढ़ूंगा तो मैं मरूंगा नहीं? क्या कोई आम इंसान सोच सकता कि? लेकिन धर्म, जब धर्म आ जाता है तो सब चीज़ों भूल करके इसको कर देता है। ये इम्पैक्ट है, ये असर है हमारे समाज में धर्म का। और ये हर कम्युनिटी के साथ है, हर लोगों के साथ है। टेम्पररी मैरिज, कुछ दिनों के लिए समझौता करके शादी करना कि मैं आज शादी कर रहा हूँ, 2 दिन बाद इसको छोड़ दूंगा। प्रॉफिट मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही अल बुखारी में हदीस नंबर 5115 में कि ऐसा टेम्पररी मैरिज गलत है। लेकिन फिर भी जब इसको धर्म से जोड़ दिया जाता है तो लोग उसको सोचते नहीं, इवन पढ़े लिखे लोग उसको सोचते नहीं। और आम इंसान ऐसा करेगा नहीं कभी कि दो, आपको बोलेंगे आपके वाइफ को 2 दिन के बाद ये फिर से तलाक दे, क्या आप कीजिएगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। लेकिन जब उसको उस एंगल में मोड़ देते हैं
तो वो जायज़ हो जाता है। हर जगह हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश में, यहाँ इंदौर आया हूँ तो इंदौर में मैं आर्टिकल में पढ़ रहा था कि इंदौर गौतमपुरा, यहाँ पर कुछ एरिया है गौतमपुरा, यहाँ से कुछ दूरी पे, वहाँ पर एक 2 साल के बच्चे को, यश नाम का लड़का है, उसको एक इंसान क्या करता, पकड़ता है और उसको किसी ने समझाया था कि इसकी बलि दे दो तो इसके बाद तुमको बेटा हो जाएगा। जब सारा कार्यक्रम चल रहा था तो उस इंसान ने उस 2 साल के बच्चे के अंदर सुइयां चुभोना शुरू किया, पियर्स किया, पिंस को सुइयां चुभोना शुरू किया। इवन सॉ, हॉलीवुड का एक पिक्चर है सॉ, उसमें दर्दनाक तरीके से किस तरह मारा जाता है लोगों को वो दिखाया जाता है, वो भी ये नहीं दिखा सकते कि एक 2 साल के बच्चे को आप सुइयों से चुभो चुभो के उसको मारते हैं। अब क्या क्या इम्पैक्ट है जब उसको सिखा दिया जाता है धर्म के नाम पर ये सब, ये सही है, ऐसा करोगे तो तुमको बच्चा होगा, तो ये चीज़ होती है। तो आप इतने में से ये मत समझने लगिएगा कि सिर्फ धर्म का गलत ही इस्तेमाल है, क्योंकि धर्म का बहुत बार सही भी इस्तेमाल होता है और अक्सर बार होता है सही भी इस्तेमाल। जैसे कि कोई भी कंट्री का लॉ, इंडिया का ही एक लॉ होता है तो वो कहीं ना कहीं धर्म से कनेक्टेड होता है, चाहे मोसेस का 10 कमांडमेंट्स हो, मूसा का 10 कमांडमेंट हो या कुरान का शरिया का कानून हो, वहीं से वो लोग लेके आते हैं, सिविलाइज लॉ जिसको बोला जाता है। या धर्म हमको कई बार हॉस्पिटल्स देता है, ऑर्फनेजेस यतीम खाने देता है, कई बार स्कूल्स देता है, ये धर्म का असर है हमारे समाज पे। जब आप इधर उधर देखिएगा, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑर्फनेज, ये भी धर्म का असर है हमारे समाज के ऊपर। और असर क्या है, अंकित नाम का एक लड़का, वो मरता है दिल्ली में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उसको मार देते हैं, तो उसके बाप उसके बाद करते हैं इफ्तार पार्टी, उसी मुस्लिम लोगों के लिए वो इफ्तार पार्टी करते हैं। ये चीज़ भी धर्म सिखाता है उनको कि आपको माफ़ करना है। मैं जहाँ से आ रहा हूँ आसनसोल से, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ने एक इमाम साहब के बेटे को मार दिया था। आम इंसान जो रहेगा, मेरे जैसा, आपके जैसा इंसान जो रहेगा, या बहुत सारे लोग जो रहेंगे, अगर आपके बेटे को कोई मारेगा तो क्या कीजिएगा, उसको बदला लेना है, उनको मारना है। लेकिन वो इमाम साहब, एक मदरसा के स्टूडेंट जिसको बोला जाता है कि वो आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो कहते हैं जनाजे में खड़े होके कि अगर कोई भी इंसान बदला लेगा मेरे बच्चे के, जो मेरे बेटे को 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे को जिसने मारा, अगर कोई भी बदला लेगा तो मैं आसनसोल छोड़ के, वेस्ट बंगाल का एरिया, मैं आसनसोल छोड़ के चले जाऊँगा। ये सिखाता है धर्म कि बहुत बार पॉजिटिव इफेक्ट, बहुत बार अच्छा प्रभाव भी देता है समाज के अंदर। और मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी कुरान की जो सूरह मायदा का है, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90। अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने एक आयत पढ़ा, उसमें अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल लजीना आमनु, के ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। के ईमान वालो, बेशक शराब पीना, जुआ खेलना, अंसाब और अज़लाम, नुसुब बोलते हैं किसी पे बलिदान देना कोई मूर्ति के सामने, और अज़लाम डिविनेशन ऑफ एरोज, पासे खेलना, वो सब चीज़ें, ये सारे के सारे शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। ये एक आयत उतरनी थी कि समाज में पूरा बदलाव आ गया, मदीना से लेकर के इंडिया तक, हम कह सकते हैं आज तक हमारे समाज में भी जो बदलाव है, कि हम लोग में, इंडिया में भी मैं कह सकता हूँ कि अगर सबसे बड़ी जमात है जो कि शराब को छूती भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं, एक सिप भी नहीं, तो वो मुस्लिम है। ये कौन लाया इम्पैक्ट? ये धर्म का प्रभाव है हमारे समाज के ऊपर। अमेरिका जैसा नेशन, अमेरिका जो सुपर पावर नेशन है, वो 1920 में बैन करता है शराब को, कोई फ़ायदा नहीं, 1933 में उसको हटाना पड़ता है। 1920 में जो कंजम्पशन था, जितने लोग शराब पी रहे थे उससे ज़्यादा 1920 के बाद पीने लगे। बिहार में हम लोग जानते हैं लिकर बैन है, लेकिन मैं रोज़ आर्टिकल पढ़ता हूँ, 200 कार्टून पकड़ा गया, 300 कार्टून शराब पकड़ा गया। ये चेंज, ये प्रभाव कौन लाता है? ये धर्म लाता है। एक आयत, एक लाइन, के ए ईमान वालो, बेशक शराब पीना शैतानी काम है, एक लाइन, और पूरा का पूरा ऐसा बदलाव जो कि इवन सुपर पावर नेशन अपने ड्रोन और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने सारे के सारे कंप्यूटर्स के साथ नहीं कर सकता। तो ये धर्म का असर है हमारे समाज के ऊपर। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो भारतीय समाज है उसमें बहुत ही गहरा ताल्लुक है धर्म का, चाहे वो हेट क्राइम्स हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो माफ़ करने का मामला हो जैसे कि आसनसोल में मैंने कहा, या चाहे वो योगा हो या टीवी डिबेट्स हो। टीवी देखते हैं ना आप लोग, टीवी डिबेट्स देखते हैं ना। मैं फ्लाइट से आ रहा था तो एक मुझे एक बूढ़े शख्स मिले, वो मुझको कहने लगे कि पहले मैं न्यूज़ देखता था,
लेकिन अभी 6 से 9 ना मैं चैनल को बदल देता हूँ, एंटरटेनमेंट चैनल देखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 6 से 9 बैठ के करते हैं ना, इससे जो नुकसान पहुंचता ना आदमी को, वो एंटरटेनमेंट चैनल से नुकसान है लेकिन उतना नहीं है जितना 6 से 9 वाले करते हैं बैठ करके। तो ये टीवी चैनल्स हो या और कोई भी जगह हो, ये सारे के सारे जगह मैं कह सकता हूँ कि हमारे समाज में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, तो हम लोग जो है ना इंडियंस, वी आर मोर इमोशनल देन लॉजिकल, कि हम लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं, तार्किक जो बोला जाता ना, मंतकी कम होते हैं जब धर्म की बात आती है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला अभी कुछ दिन पहले, मेरे पास एक शख्स आए थे, कार्तिक नाम है उनका, वो आते मेरे पास और वो कहते हैं कि शदाब भाई जहन्नम में क्या होगा? मैंने बोला कि सज़ा हो सकती है लोगों को क्योंकि गलत काम किया। तो बोले कोई आपको बोला आकर के, कोई आके जहन्नम से बोला आपको ऐसा होगा? तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, आप मानते हैं इसको? वो बोला हाँ, उसने खुद तो नहीं बनाया लेकिन उसके लेबर्स बना रहे थे, उसके काम करने वाले। अब क्या कोई काम करने वाला यहाँ आके बोलेगा कि मैंने ताजमहल बनाया तब आप मानिएगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया? तब मानेगा? या किताब में पढ़ के मानता है? किताब में पढ़ के मानता है? तो उसी तरह मेरे पास किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि जहन्नम में सज़ा होगी। ये ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ है वो आपके सामने आके बोला जाए, किताब में भी बहुत बात लिखी होती है। अब ये हो गया मेरे पास आंसर कंप्लीट। अब वो एक और मुस्लिम के पास जाता है, बेटर देन मी, हो सकता है मुझसे भी अच्छे शख्स हो, दाढ़ी टोपी, और वो उनसे यही सवाल कर देता है कि भाई साहब जहन्नम से कोई आके बोला आपको? वो इतना बोलना था उसका, ये सवाल करने की देरी थी कि तुमने मेरे इस्लाम को बोला, तुमने मेरे नबी के बारे में बोला, तुम मेरे इस्लाम को ख़राब बोलते, सारा चीज़ वो इमोशनली ले लिया। और वो कार्तिक भाई बोलते कि आई हैव टू रन फॉर माई लाइफ, मुझे भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोग इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, लॉजिकल दिमाग से सोचते कम है, इमोशनल। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है इंडिया में, अगर हम लोग बात करेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। और इस वजह से मुझको और भी कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि शदाब भाई धर्म को बैन कर देना चाहिए क्योंकि लोग समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, और धर्म की वजह से लड़ाइयाँ होती। तस्लीमा नसरीन अपनी बुक में लिखती है कि धर्म की वजह से लड़ाइयाँ होती, धर्म शुड बी, इसको बैन कर देना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा जंग कौन सा है? वर्ल्ड वार 1 में 16 मिलियन, 1,60,00,000 लोग मरे, वर्ल्ड वार 2 में 80 मिलियन, 8 करोड़ लोग मरे, और उस वक्त के हिसाब से 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उस वक्त के हिसाब से 3% दुनिया की आबादी मरी। कौन सा धर्म कराया? ना इस्लाम, ना क्रिश्चियनिटी, ना हिंदुज़म, कोई धर्म नहीं था। तो ये ज़रूरी नहीं कि धर्म हमेशा लड़ाता है, और धर्म अगर लड़ाता भी है तो ये उनकी गलती है जो आपको लड़ा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको दवाई दिया एक डॉक्टर ने कि दवाई आपको खाना है, आप उसको 3 खा ले तो क्या होगा? आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर ने तो सही दिया था, आपकी गलती है। उसी तरह अगर आपके पास चाकू है तो आप चाकू से लोगों को मार भी सकते हैं, लेकिन वही चाकू से आप किसी का बलात्कार कोई कर रहा है तो आप उसको रोक भी सकते हैं। सेम चाकू है, चाकू सेम है, लेकिन एक आदमी मार रहा है, एक आदमी एक बलात्कार करने वालों को रोक रहा है। तो उसी तरह धर्म का, मैं कहता हूँ, मेरा ये राय है कि धर्म का सही इस्तेमाल हमको जानना चाहिए। भले ही लोग इमोशनल है, लोग जुड़े हुए, ये मैं नहीं कहता कि इमोशन को हटाओ, लॉजिक को लगाओ, ये नहीं मैं कर रहा, लेकिन उसके इमोशन को सही से इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह के कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में कि कुल या अहलल किताब तआलु इला कलिमतिन सवा इम बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है। तो आप उनसे जाके बात कीजिए, एकता के बारे में जो भी मैसेज है, एक अल्लाह को मानिए और उसके बराबर किसी को ना बनाए, और हम लोग एक दूसरे को रब ना बनाए उस ईश्वर को छोड़ के। इस पर मैंने पूरा एक लेक्चर दिया धर्म में एकता बोल के, अगर आप लोग इस पर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं, धर्म में एकता लिखिएगा, IRPC इंडिया, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अब वो सारा चीज़ अगर आप किसी को बता दें, किसी गैर मुस्लिम को, फिर भी वो बोलता कि नहीं मैं नहीं मानता, आप जो बोल रहे मैं नहीं मानूंगा, मैं एक ईश्वर पे नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि आप शिर्क नहीं करना चाहते, नहीं मैं नहीं मानता कि किसी भी इंसान को अल्लाह नहीं बना सकते, तो क्या हम लोग लड़ेंगे? क्या हम लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे? एक गैर मुस्लिम है जो कि पगड़ी पहनता है, मैं टोपी पहनता हूँ, क्या हम लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे इसी बात पे? मैं कोट पहन के आया हूँ, कोई शख्स कुर्ता पहन के आया, क्या हम लोग लड़ेंगे?
कभी लड़ेंगे हम लोग? नहीं, जब तक कि तीसरा शख्स बीच में नहीं आता और वो कहता है कि उन्होंने जो कुर्ता पहना ना वो तुमको चिढ़ाने के लिए पहनते, और उनके पास जाके वही शख्स बोलता है कि उसने जो कोट पहना ना शराब ने आपको चिढ़ाने के लिए, अब हमारे बैक ऑफ माइंड में, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन चुका है, अब हम लोग रास्ता में जा रहे और टकराते हैं और लड़ाई चालू। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक दूसरे को जानना होगा और एक दूसरे के बारे में पढ़ना होगा, तब हम लोग इस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं, है कि नहीं? और तब, क्योंकि इस लड़ाई में ना ही मेरा फ़ायदा होता है, ना ही उस शख्स का फ़ायदा होता है, ना ही देश का, भारत का फ़ायदा होता है, सिर्फ फ़ायदा होता है उसका जो कि हमको लड़ा रहा है। तो अगर हम लोग एक बेहतर भारत को बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे के बारे में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ना भी होगा, और तब हम लोग इंशाल्लाह मिल करके एक बेहतर भारत को बना पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वाखरु दावाना अनिलहमदुल्लाह रबी आलमी। Mm-hmm.